हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। राखी आ गई है, फेस्टिव सीज़न बिल्कुल आ गया है और यहाँ आज मैंने पेड़े बनाए हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाएं अपने भाई के लिए और दोस्तों से सरप्राइज़, एंजॉय करें रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सारे इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं एक बार जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। यहाँ मैंने मावा लिया है 500 ग्राम, ये होम मेड मावा है। और यहाँ मैंने पिस्ताचियो लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और ये है 2 स्पून घी, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, और ये है शुगर 1 कप लिया है। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पेड़ा बनाने की प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम पैन ले लिया है और उसके अंदर डाला है 1 स्पून घी, और इसके अंदर हम मावा डाल करके इसे रोस्ट करने वाले हैं। जो स्पेचुला लिया है ये शार्प वाला स्पेचुला है, इससे हिलाने में इजी रहता है क्योंकि मावा जो है वो बॉटम में स्टिक हो जाता है बहुत जल्दी। तो आप इसे कंटिन्यू स्टिर करते रहें और बिल्कुल भी इसे छोड़ें ना अकेले, और हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो मुझे चलाते हुए यहाँ पर लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और अभी आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है ऑलमोस्ट, और ये देखिए आप इसका कलर गोल्डन हो गया। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर आप बिल्कुल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, जितना चाहें आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप शुगर ऐड करें। और यहाँ देखिए ये लिक्विड होता जा रहा है जो हमने शुगर डाला है उससे, और इसका इसे हम अब थोड़ी देर और कुक करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो है कलर वो गोल्डन हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। अभी हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, और इसने अपनी साइड्स जो हैं वो छोड़ दी हैं। अभी ये बिल्कुल रेडी, हमें इसमें इलायची पाउडर जो हमारा है वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा सेफ्रन यानी केसर दूध में भिगो करके रखा हुआ था, वो भी इसमें डाल देंगे मिक्स करके और गैस बंद कर देंगे। और इसे मैं इसी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ इस पैन में, और गैस मैंने बंद कर दिया है, और ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम इसे में छोड़ देंगे। और अराउंड 10 मिनट्स हो चुका है, ये ठंडा हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे इसकी थिकनेस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विंडो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे एक बार प्रेस कर लें, उसे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, तो सब्सक्राइब बटन के पास में एक घंटी का बटन है, उसे एक बार दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारा जो मावा था वो ठंडा हो गया है, मैंने यहाँ पे अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है जो हमने थोड़ा बचाया था उसमें से मैंने यूज़ किया है, और इससे मैं अपने हाथों में छोटा छोटा पोर्शन लेकर के और पेड़े बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से आप भी बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। ये जो पेड़े हैं ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं, और आई एम श्योर कि अगर आप बनाएंगे तो ये सबको घर में बहुत पसंद आने वाले हैं, बहुत ईजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो मावा यूज़ किया था वो होममेड मावा था। अगर आप चाहें तो मार्केट का मावा यूज़ कर सकते हैं, और अगर मार्केट का मावा ना यूज़ करना चाहें तो आप मिल्क पाउडर से भी घर पर मावा बना सकते हैं। ये जो पेड़े हैं इनको मैं अपने अकॉर्डिंग शेप दे रही हूँ, आप आजकल मार्केट में जो शेपर आते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे ऑलमोस्ट सारे ही पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और मैं इन्हें गार्निश कर रही हूँ पिस्ताचियोस के साथ में। तो कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो वो अधूरा ही रह जाता है अगर मीठा ना हो। तो इस राखी पर अपने भाई के लिए बनाएं पेड़ा और उसे स्पेशल फील करवाएं, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर ज़रूर करें। गाइस कैसा रहा आपका राखी का फेस्टिवल और कैसी बनी अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो एंजॉय करें। हैप्पी राखी। Thanks for watching my video. Stay tuned.